हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रॉक्स प्रेडिक्शन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्री सीरीज 2019। इस लीग पर तीन टीम मिलकर एक सीरीज खेला जाएगा। यहाँ पर है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे। इन तीनों देश के बीच में ये T20 मैचेस खेला जाएगा। तो दोस्तों, आप बात करेंगे फर्स्ट मैच के बारे में। फर्स्ट मैच खेला जाएगा 13 सितंबर को बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच में। उसमें से कौन सा टीम का जीतने का चांसेस कितना परसेंट है वो हम बताएंगे आपको अपना पर्सनल हिसाब से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज़ फ्री में मैच प्रेडिक्शन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अगर बात करेंगे दोनों टीम की, तो बांग्लादेश और जिम्बाब्वे दोनों टीमों के पास ही बहुत ही अच्छा खासा प्लेयर्स है। तो एक झलक देख लेंगे हम बांग्लादेश के कुछ की प्लेयर्स। बांग्लादेश के कुछ की प्लेयर्स है सोमु सरकार, साब्बिर रहमान, शकीब अल हसन, महमूदुल्ला, आफिफ हुसैन, मुसद्दिक हुसैन, मेहदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, लिटन दास, मुश्फिकुर रहीम, ताइजुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान और यासिर आराफात। तो दोस्तों, आप जिम्बाब्वे के कुछ की प्लेयर्स देख लेते हैं। तो जिम्बाब्वे के कुछ की प्लेयर्स है चिराग इरविन, हिमिल्टन मुसदक्कजा, शेन विलियम्स, टिमिसेन मारुमा, रियान बुल, टिनो टिंडा मुटुम बोर्जी, टोनी मुनुयोंगा, रेजिक्स चकाब्बा, रिच मॉन्ड मुतुबमी, बैंडन टेलर, केल जर्विस, टेंडई चातारा, जैसे अच्छे अच्छे प्लेयर है इनके पास। तो दोस्तों, दोनों टीमों के पास ही अच्छा खासा बॉलर और बैट्समैन ऑलराउंडर प्लेयर भी है। तो आप देख लेते ये कौन सी ग्राउंड पर खेला जाएगा और पिच कंडीशन क्या है। तो दोस्तों, ये मैच खेला जाएगा शेरे बांगला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका। और यहाँ पर का जो पिच है, ये पिच को थोड़ा स्पिन पिच बना लिया गया है। तो यहाँ पर जो फास्ट बैट पर आता है तो उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और यहाँ पर जिम्बाब्वे के तुलना में बांग्लादेश टीम बहुत ही हार्डी टीम है और इनके सामने जिम्बाब्वे ने बहुत बार हार चुका है। जिम्बाब्वे का बांग्लादेश के विपक्ष में अभी तक कोई अच्छा खासा रिकॉर्ड नहीं है, बहुत बार ये टीम हार चुका है। और यहाँ पर बांग्लादेश टीम बहुत भारी दिख रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर टीम फॉर्म सब कुछ मिलाकर देखते हुए मुझे बांग्लादेश थोड़ा आगे दिख रहा है। और जो टीम टॉस जीतकर फर्स्ट बैट पर आएगा तो उसको थोड़ा ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और बांग्लादेश टीम फर्स्ट बैट पर आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जिम्बाब्वे के पास कुछ अच्छा खासा स्पिनर नहीं है और बांग्लादेश के पास हमने देखा कि अच्छा अच्छा स्पिनर है। बांग्लादेश के पास तीन बहुत ही अच्छा स्पिनर है, शकीब अल हसन और आफिफ हुसैन है इस स्क्वाड में, और मेहदी हसन भी है, और महमूदुल्ला भी अच्छा खासा स्पिन बॉल कर लेता है। तो इनके पास बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा खासा है और फास्ट बॉलर भी है और बैट्समैन भी है। और जो जिम्बाब्वे के पास उतना अच्छा स्पिनर नहीं है, स्पिनर है पर उतना अच्छा क्वालिटी वाला स्पिनर नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बांग्लादेश टीम थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो दोस्तों, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन था मैं बताने से पहले कि ये मैच कौन टीम जीतेगा, उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि मैच के मोर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हूँ। मैं हर वीडियो में ये बात बोल देता हूँ आप लोगों को। वहाँ पर ज्वाइन होने से आपको मैच सेशन, टॉस सेशन, अदर्स मैचेस के रिपोर्ट सब कुछ वहाँ पर इजीली मिल जाएगा। और हमारा वीडियो में कभी कभी गलत हो जाता है कुछ रिजल्ट प्रेडिक्शन, क्योंकि हम वीडियो पहले बना लेते हैं और रिजल्ट बाद में आता है। तो दोस्तों, हमारे जो गलती हो जाता है वीडियो पर वो हम हमारा टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर सुधरा लेते हैं। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर ज्वाइन होने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आप बात करेंगे फाइनल प्रेडिक्शन की। मेरे अकॉर्डिंग इस मैच को बांग्लादेश जीतने जा रहा है। हाँ दोस्तों, मुझे यहाँ पर बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। यहाँ पर 90% चांसेस विनिंग बांग्लादेश का और 10% विनिंग चांसेस जिम्बाब्वे का। आपको क्या लगता है? आपको लगता है जिम्बाब्वे विन हो सकता है? तो आप जिम्बाब्वे के साथ भी जा सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।